स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन पर बेस्ड है। ये पार्ट जो है आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस पार्ट के आज हम कुछ टिपिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज देखिए स्टूडेंट, ये जो रेशनलाइजेशन चैप्टर है इसमें ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होता है, इसलिए लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक इसमें लगाएं अगर तो आप कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन इसके जरूर रहते हैं। तो देखिए, जो मैंने आज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मैंने आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए कि जो मैंने जो मेरा लेक्चर 4 आज है और ये जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, ये आपके जितने भी आपके एग्जाम के CPO, बैंक, क्लर्क, SSC, रेलवे, आई सबसे रिलेटेड सबके सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। तो देखिए, लेट अस सी। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखिए, एक्स इज इक्वल टू 1/√5 - √2, फाइंड x² + 1/x² एंड सेकेंड x² - 1/x². तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड आता है रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। तो रेशनलाइजेशन जो वर्ड है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हमारी अपॉन में एक हमारी वैल्यू अंडर रूट में है, यानी कि उसमें जो रूट में जो वैल्यू है, देखिए √5 / √2 जो है ये रेशनल है, तो हमें क्या करना है कि इस रेशनल को हटा करके यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हटा करके हमने जो है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो उसका जो मेन जो मेथड है उसका ये होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसी से उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, शॉर्टकट का ये होता है। देखिए, आपको जो मेन तरीका करना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना है कि जो वैल्यू नीचे लिखी होगी वही वैल्यू आपको ऊपर लिख देनी है और नीचे जो है वहां पर a² - b² कर देना है। देखिए, मैं इसको आप पहले तरीके से बता रहा हूं। देखिए इसको, देखिए ऐसे x = √5 - 2 × √5 + 2 / √5 + 2। तो देखिए, ऊपर देखिए सेम एंटिटी ऐसी आ जाएगा √5 + 2, नीचे देखिए आ जाएगा √5² - 2² तो देखिए, ये हमारा आ गया √5 + 2 / देखिए √5² = 5 / 2² = 4। तो ये आगे देखिए √5 + 2। तो देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। देखिए, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है। देखिए डायरेक्ट कैसे है, देखिए मैंने आपसे कहा, देखिए कि ये अगर माइनस साइन है तो ऊपर सीधे प्लस साइन कर दीजिए √5 + √2, और नीचे जो है वो हर हमेशा a² - b² अपॉन बनेगा। तो देखिए, ये आ गया 1, यानी देखिए एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, एक्स की वैल्यू 1/√5 - √2 थी, जब मैं इसको रेशनलाइज किया तो हमारी वैल्यू आ गई √5 + √2। तो अब देखिए, जब हम वैल्यू निकाल लिए इसकी, देखिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा, देखिए x² + 1/x² है, x² + 1/x² वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम ऐसा करते हैं कि पहले यहां पर x + 1/x फाइंड कर देते हैं। देखिए, अब देखिए x की वैल्यू हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं। देखिए देखिए, मैं इसमें लेता हूं, देखिए x की वैल्यू मैं अगर ले लूं √5 + 2, और जब 1/x करेंगे तो इसको ना लिख करके 1/ लिख कर इसे लिख दीजिए आप। ठीक है, इसको भी हम x कह रहे हैं, ये भी x है हमारा, तो ये जो जस्ट 1/x करेंगे तो पड़ जाएगा √5 - 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, आ गया 2√5। तो देखिए, आपको फाइंड करना है x² + 1/x². तो देखिए x² + 1/x² होता है x + 1/x² - 2। तो देखिए, इसकी वैल्यू हो गई √5² - 2, देखिए 2² = 4
इंटू फाइव माइनस टू यानी कि 18। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट इसका और है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ला सकते हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम यहां निकाल लेंगे टू रूट फाइव। अब देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स है जो मैंने यहां निकाला नहीं है तो यही निकाल लेते हैं इसको। अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहां पर देखिए तो यहां माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो ये चेंज होंगे तो माइनस वाले केस में क्या आ जाएगा देखिए आपकी बात जो है रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा और टू और टू एड देंगे यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर। तो देखिए ये आगे यहां पर इसकी वैल्यू हो गई फोर। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं एट रूट फाइव। तो देखिए जो स्टेप हमने कर रखे हैं तो देखिए अब क्या है कि अब इसकी ये तो क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी हो गया है और एजुकेशन के हिसाब से भी हो गया है। लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको क्या करना है देखिए कि कॉम्पिटिशन में हमें करेक्ट नंबर तो मिलते नहीं इतने ज्यादा क्योंकि मैजिकल जो कॉम्पिटिशन क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शनल बेस्ड होते हैं वहां तो ऑप्शन देख के आंसर आना पड़ता है हमको। तो इसलिए जो है कि देखिए तो हमें जो यहाँ पर जो ये लर्न करना है ध्यान रखिए मेन कि जो अपॉन में जो वैल्यू होगी उसको आपने साइन चेंज करके ऊपर लिख देना है और नीचे हर हमेशा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए अब ये एक्स स्क्वायर पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर ने फॉर्मूला लिखा देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया हुआ देखिए अब कई कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है जो हमारा फॉर्मूला होता है देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो जब हम यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो फॉर्मूला ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब पीछे के ए और बी कहां गए क्योंकि यहां पर जो ए और बी की वैल्यू है वो एक्स और वन अपॉन एक्स है इसलिए वो कैंसिल हो गए। चलो देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन और लिया देखिए इसका एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस अंडर रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू और देखिए वैल्यू निकालनी है हमें सेम वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहां पर तो रेशनलाइज है नहीं यहां पर रेशनलाइज नहीं है तो कैसे होगा देखिए देखिए एक्स हमें दे रखा है तो पहले यहां से आप निकाल लीजिए वन अपॉन एक्स। तो देखिए वन अपॉन एक्स हम निकालेंगे तो पड़ जाएगा देखिए टू अपॉन फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन। अब आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा इसे तो देखिए अब क्या मैं डायरेक्ट कर रहा हूं देखिए देखिए ऊपर क्या हो जाएगा देखिए टू टू माइनस रूट ट्वेंटी वन और नीचे मैंने क्या बताया था आपको नीचे की वैल्यू मैंने कहा था ऊपर जाकर साइन चेंज होगा और नीचे मैंने बताया था कि ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगेगा। देखिए तो ये हो गया फाइव का स्क्वायर माइनस रूट ट्वेंटी वन का स्क्वायर। अब देखिए आगे तो देखिए ऊपर तो ऐसी रहा देखिए देखिए नीचे देखिए फाइव का स्क्वायर होता है देखिए ट्वेंटी फाइव और रूट ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है ट्वेंटी वन अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो देखिए यहां बचेगा फोर और टू से फोर कैंसिल हो गया तो ये आ गया फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू। तो देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई और वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप यहां ऐड कर लीजिए पहले तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो देखिए ऐड करके आ गया फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू प्लस फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू। तो देखिए जब से ऐड करेंगे देखिए तो ऐड करने पर देखिए रूट ट्वेंटी वन से रूट ट्वेंटी वन कैंसिल हो जाएगा तो ये देखिए ये आ जाएगा टेन अपॉन टू यानी कि फाइव। और देखिए मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी निकाल देता हूं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपको उसी केस में निकालना है जब ये वाला पार्ट भी पूछा होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो तो हमें एक चीज करने की जरूरत ही नहीं है हम उसी से काम चलेंगे तो हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर। अभी का सेकंड पार्ट है इसका तो मैं निकाल के दिखाता हूँ देखिए तो सेम ऐसी आएगा देखिए देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ देखिए इसको देखिए इसमें से जो माइनस होगा
तो उसमें कंडीशन में क्या हुआ, देखिए यहां पर जो है ऐड करने पर रूट 21 कैंसिल हुआ था, तो अगर मैं यहां माइनस कर दूंगा देखिए, तो माइनस करने पे क्या होगा, 5 कैंसिल होगा और रूट 21 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐड माइनस करने पर 2 रूट 21 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 21। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन x हमने यहां निकाल दिया, देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो आ गया 23। और सेकंड पार्ट देखिए इसका x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, दोनों वैल्यू हम निकाल रखी है, ये वैल्यू हमारी 5 है और ये वैल्यू हमारी रूट 21 है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए अब जैसे जैसे आप इसकी क्वेश्चन करते जाएंगे तो प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी इसकी प्रैक्टिस और आप और जल्दी करना चाहेंगे उसके बाद, देखिए तो इसको जो है कि जल्द से जल्दी आप करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं ऐसे एग्जाम में, लेकिन जो है कि फिर भी बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन इसमें इस टाइप के भी अनप्रूव वाले रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे एजुकेशनल और कम्पिटेटिव मैथ्स के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे कैसे होगा देखिए, इसमें हर एक मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको भी सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसका साइन चेंज करके ऊपर लिख देना है। देखिए देखिए तो मैंने क्या, अब देखिए जब नीचे साइन जो पहली ऊपर जाएगी जब, तो वहां पर ऑलरेडी एक पहले से लिखा हुआ है रूट 5 और रूट 3, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा, मैंने बताया था आपका हमेशा होना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, देखिए ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, यानी कि 2 अंडर रूट 15 अपॉन देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 5 माइनस 3, तो देखिए 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2। देखिए 2 से जब डिवाइड होगा तो 2 से 8 भी डिवाइड होगा और 2 भी डिवाइड होगा, या तो आप टू कॉमन लेंगे और कॉमन नहीं लेंगे बाई चांस अगर आप, तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 4 प्लस अंडर रूट 15, तो देखिए और ये वैल्यू हमारे साथ चल रही है। देखिए अब देखिए LHS इज इक्वल टू होता है RHS, तो देखिए 4 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 15। अब देखिए सिंपल कंपेयर कर दीजिए, देखिए देखिए यहां 4 है यहां a है, तो देखिए a इज इक्वल टू हो गया 4, देखिए यहां पर है प्लस का रूट 15, यहां पर है माइनस का बी रूट 15, तो देखिए b इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1। देखिए बहुत सिंपल, देखिए तो इसमें क्या करना है, देखो हमने तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन था कि ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, इसमें वैल्यू है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, देखिए बाई प्रोसेस हो गई। देखिए से अब देखिए जैसे एक सेम ऐसी एक क्वेश्चन में या उधर का देखिए, आप इसे ट्राई कीजिए बहुत ज्यादा समझ लगे आपका 30 सेकंड के अंदर आप जो करने की कोशिश कीजिए, और इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर उसका, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो जो है आपको पसंद आ रहे हैं अगर आपको, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसको, इससे क्या होगा कि देखिए आपके साथ साथ और भी बहुत से लोगों को ये बहुत से लोगों के यूज में आ सकते हैं और किसी को फायदा इस वीडियो से हो सकता है। और देखिए कमीशन की तैयारियां लगातार करते रहिए, देखिए कमीशन जो होते हैं देखिए अचानक कोई आता नहीं है कि हम कहीं कल को कहते हैं उसका बैंक की पोस्ट निकलने वाली है, पोस्ट लगातार निकलते रहती है, और देखिए आपकी पहले से तैयारी अगर होगी तो आप आसानी निकाल सकते हैं। तो देखिए कमीशन निकालने के लिए दो मेन चीजें, देखिए एक तो आपकी मैथ्स और दूसरी जीके, दो चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर दो चीजें आपकी स्ट्रांग है तो आप कोई सही कमीशन निकाल सकते हैं।
ठीक है। और तैयारी जो है स्टार्टिंग से ही करते रहिए आप। मतलब जैसे आप कहते हैं हाई स्कूल एंटर पास आउट करते हैं तो लगातार आप जीके के नोट्स या कहते हैं मैथ्स की जो लगातार एक अपनी एक कॉपी अपनी एक्स्ट्रा बना लीजिए आप, लगातार करते रहिए इसको। जब रनिंग में रहेंगे जब आप, तो उससे क्या होगा कि आपको अचानक से कहते हैं कि उसमें जब कभी फॉर्म आएंगे तो आपको करने पसंद नहीं होगी, उसमें आपका पैसे तैयार होगा मैटर। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए जिन बच्चों का आंसर आ गया देखिए, उन अच्छी बात है कि नहीं आंसर आए तो दोबारा चेक कर लीजिए। देखिए देखिए मैं बहुत शॉर्टकट मैटर बता रहा हूँ, देखिए इसको आप। देखिए मैंने बताया था देखिए कि अपॉन में जो वैल्यू है उसको रेशनलाइज करना होता है, उसके लिए मैंने बताया था कि साइन चेंज होगा, तो ऊपर इसका जो साइन होगा चेंज होगा वो आएगा अंडर रूट टू माइनस वन और ऑलरेडी ऊपर है, यानी कि ये हो जाएगा देखिए अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर टू प्लस बी स्क्वायर वन माइनस टू ए बी, टू इंटू रूट टू इंटू वन माइनस का टू रूट टू, देखिए नीचे रूट टू का स्क्वायर टू वन का स्क्वायर वन, तो देखिए ये आ गया थ्री माइनस टू रूट टू। और देखिए किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है देखिए ए प्लस बी रूट टू। तो देखिए अगर इसको कंपेयर करें देखिए तो ए इक्वल टू आ गया देखिए थ्री और बी इक्वल टू आ गया माइनस का टू, देखिए रूट टू कैंसिल बी इक्वल टू आ गया माइनस का टू। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन देखिए ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये अक्सर आते हैं देखिए ऐसा, जब आप इसको वैसे ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो होती है वो नाइन्थ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आने वाले, लेकिन क्या नाइन्थ में जब क्वेश्चन आप करते हैं तो उसका पूरी प्रॉपर मेहनत से करते हैं, एग्जाम में हमें इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर एग्जाम में पेपर में सारे क्वेश्चन होते हैं और बगल में जगह बची होती है वहीं पर आपको फटाफट शॉर्टकट में क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि उसका एक पन्ना कुछ निर्धारण पा दिखे आपको, तो इसलिए जब आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए अभी देखिए बहुत कम टाइम हो गया, देखिए आप देखते हैं क्या, देखिए नए टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। देखिए स्टूडेंट तो आप हमने देखिए आप दो तरीके का हमने क्वेश्चन सीखे हैं रेशनलाइजेशन में, देखिए रेशनलाइजेशन में देखो और भी और टाइप क्वेश्चन कंपटीशन के मतलब में, देखिए अब जो बाकी कंपटीशन टाइप क्वेश्चन है जो इस सीरीज वाले क्वेश्चन में और आते हैं अभी, उनका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। फिलहाल जो मैंने दो टाइप क्वेश्चन आपको कराए हैं उसके लिए देखिए दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्री प्लस अंडर रूट सेवन अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट सेवन इजिकल टू ए प्लस बी रूट सेवन, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकेंड क्वेश्चन है देखिए इसका एक्स प्लस टू रूट थ्री फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए दो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स आया कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, और अभी उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत अगर परेशानी आती है इसमें तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जो है कि जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया जाएगा। तो देखिए तो जो वीडियो जो अगर आपको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए आप दोस्तों के साथ, इसको फेसबुक पर या जो भी आपका सोशल मीडिया पर आप जिससे है उस पर आपको इसको आप कहते हैं शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और इससे क्या होगा कि अब नए और जो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा सुझाव अगर आपके पास है वीडियो से संबंधित आपका तो उसको भी हम सुझाव, अगर आपको सुझाव बढ़िया होगा तो उसको भी हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।